दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस वक्त टाइटैनिक डूबा उसके 100 साल बाद यानी कि करीब 2012 में एक और बड़ी क्रूज शिप पानी में बड़े पत्थर से टकराकर सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही जहाज पानी में करीब आधा डूब जाता है। दोस्तों, ये जहाज टाइटैनिक के साइज से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। इस जहाज का नाम कोस्टा कॉनकॉर्डिया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस जहाज के डूबने की वजह क्या थी और शिप के कंपनी को शिप के प्राइस से भी ज्यादा नुकसान क्यों हो गया, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, कोस्टा कॉनकॉर्डिया जहाज को बनाने में करीब 2 साल का टाइम लगा था। 950 फीट लंबा इस जहाज में 4,900 लोग बहुत आराम से सफर कर सकते थे। इस शिप में 1500 से भी ज्यादा कमरे थे। कोस्टा कॉनकॉर्डिया की लग्जरी का अनुमान इस तरह से लगा सकते हैं कि यह शिप टाइटैनिक की लग्जरी से भी नेक्स्ट लेवल का था। इस शिप में 5 रेस्टोरेंट, 40 थिएटर और 4 स्विमिंग पूल थे। इस शिप का टिकट प्राइस करीब 1 लाख से 1.5 लाख तक होता था। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि यह शिप डूबा कैसे था। दरअसल यह शिप समुन्द्र में मौजूद पत्थर से टकरा गया और शिप के लेफ्ट साइड में करीब 53 मीटर लंबा छेद हो गया और समुद्र का पानी बहुत तेजी से इस शिप के अंदर भरने लगता है और इसी कारण से शिप की इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है। और दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस घटना के बारे में 1 घंटे तक अथॉरिटी को बताया भी नहीं गया। कोस्टा कॉनकॉर्डिया के पत्थर से टकराने के बाद ही यह शिप अपने राइट तरफ से आधी डूब गई थी। कैप्टन फ्रांसिस्को एस्टेनियो, जिन्होंने इस रूट का कई बार ट्रेवल किया था, उन्होंने ये फैसला किया था कि वे नॉर्मल रूट से नहीं बल्कि शिप को समुद्र के किनारे से लेकर जाएंगे। दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि उन्हें पत्थर रडार सिस्टम में क्यों दिखाई नहीं दिया। तो दोस्तों, कैप्टन ने नेविगेशन सिस्टम ही बंद कर दिया था। कैप्टन का कहना था कि उन्होंने इस रूट को इतने बार सफर किया है कि वो अपनी आंखें बंद करके भी इसे चला सकते हैं। दोस्तों, जब इस शिप की घटना हुई तो शिप का कैप्टन ही शिप को छोड़कर पहले भाग गया था। कैप्टन ना होने की वजह से क्रूज मेंबर को यात्रियों को बाहर निकालने के आदेश भी लेट में मिले, लेकिन लाइफ बोट को पहले ही बाहर निकालना शुरू कर दिया गया था और साथ ही साथ नेवी और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया था और शिप को एबेंडन करने के आधे घंटे के बाद ही शिप को खाली कर देना चाहिए था, लेकिन इस घटना में 6 घंटे का समय लग गया था। इस शिप को स्क्रैप करने में 5 साल लग गए थे। सबसे पहले इस शिप का फ्यूल निकाला गया ताकि स्क्रैपिंग के दौरान फ्यूल निकलने से समुद्री जीवों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो और इसमें करीब 2 महीने लग गया था और इस शिप को 2014 में स्क्रैप यार्ड में ले जाया गया, फिर इसे रिसाइकल कर लिया गया। जब ये शिप डूबी तो इस कंपनी के शेयर लगभग 16% गिर गए थे, जिससे उन्हें 95 मिलियन का नुकसान हुआ और इस शिप में जो विक्टिम थे उन्हें 9 लाख रुपए देने पड़े। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस पूरे घटना का कॉस्ट कंपनी को $2 बिलियन पड़ा और ये कॉस्ट शिप को बनाने में लगने वाली कॉस्ट से 3 गुना ज्यादा थी। इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन के साथ मौजूद 5 और लोगों को दोषी करार दिया गया। साल 2011 से 2020 तक टोटल 876 शिप की घटनाएं हुई हैं, जो बहुत ज्यादा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे एक दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।